जय साथियों, सबसे पहले स्वागत है आपसे कुछ नए वीडियो पे। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय द्वारा स्नातक प्रथम खंड के कैंडिडेट के प्रायोगिक परीक्षा की तिथि जारी कर दिया गया है। इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ कि डिग्री पार्ट वन के कैंडिडेट के प्रैक्टिकल एग्जाम कब से कब तक लिए जाएंगे और सेंटर क्या बनाया गया है, और ये जो आप अधिसूचना देख रहे हैं इसे आप कैसे डाउनलोड करेंगे इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके और इसको ऑन करके जरूर रखिएगा ताकि इस तरह के वीडियो जब भी मैं अपलोड करूंगा तुरंत आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए। इसके लिए सबसे पहले अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउजर ओपन करिए और गूगल सर्च बार में टाइप करिए www.lnmuinfo.in। जैसे आप लोग मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हैं इस प्रकार से आप लोगों को टाइप करना है और सर्च कर देना है। जैसे ही टाइप करके सर्च करेगा तो आपके सामने अगला इंटरफेस इस प्रकार से देखने को मिल जाएगा। अगर आप डायरेक्ट इस पेज पर नहीं आ पा रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूँ, आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन करिए, लिंक पर क्लिक करिएगा, यहाँ पे आप लोग आ जाइएगा। ठीक है, आप लोगों को नीचे आना है। नीचे आने के बाद आप लोगों के जो प्रैक्टिकल एग्जाम को लेकर नोटिस है यहाँ पर डाल दी गई है, देख सकते हैं यहाँ पर कि LNMU पार्ट वन प्रैक्टिकल एग्जाम डेट जारी। जानिए कब से होंगे प्रथम खंड के प्रायोगिक परीक्षा, इस पर आप लोगों को क्लिक करना है, न्यू अपडेट है। इसके बाद आप लोगों के सामने इस प्रकार से इंटरफेस देखने को मिल जाएगा जैसे आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं। नीचे आना है, आप लोगों के प्रैक्टिकल एग्ज़ाम को लेकर के यहाँ पे सभी जानकारी दे दिया गया है। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं कि आप लोगों के जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है वो कब से कब तक होंगे। ठीक है, तो देखिए कब से होंगे स्नातक प्रथम खंड के प्रैक्टिकल परीक्षा, तो ये आज के दिन अधिसूचना जारी किया गया है। इसमें आप लोगों को जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम की परीक्षा है ना वो 29 नवंबर 2022 से शुरू हो जाएंगे। इसमें आपको आपके जो ऑनर्स पेपर की परीक्षा है, ऑनर्स पेपर की परीक्षा है वो 29 नवंबर 2022 से लेकर 3 दिसंबर 2022 तक होंगे। ठीक है, और इसके बाद आप लोगों के अगर सब्सिडरी या जनरल पेपर के प्रैक्टिकल परीक्षा होंगे उनका जो प्रैक्टिकल होगा वो 4 दिसंबर 2022 से 10 दिसंबर 2022 के बीच होंगे, जैसे आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, अब आप लोग कि इतना तो डेट हमको पता चल गया कि हम लोगों के जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है वो 29 नवंबर से शुरू होंगे, जिसमें ऑनर्स पेपर की परीक्षा 3 दिसंबर तक चलेंगे और सब्सिडरी 4 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर तक चलेंगे। हम प्रैक्टिकल एग्ज़ाम देने के लिए कहाँ जाएंगे तो इसको लेकर भी यहाँ पे जानकारी दिया गया है। ठीक है, प्रायोगिक परीक्षा के लिए किस सेंटर पर जाना है। ठीक है, देखिए सेंटर आप लोगों को जो विश्वविद्यालय द्वारा बताया गया है वो आपके महाविद्यालय है, जैसे तो आपके महाविद्यालय जिस महाविद्यालय में आप एडमिशन लिए हैं उसी महाविद्यालय में आप लोगों को प्रैक्टिकल एग्ज़ाम देने के लिए जाना है। यूनिवर्सिटी के तरफ से प्रैक्टिकल एग्ज़ाम को लेकर, जैसे तो यूनिवर्सिटी की तरफ से प्रैक्टिकल एग्ज़ाम को लेकर के परीक्षा प्रोग्राम और सेंटर लिस्ट जारी नहीं किया जाता है, ये आप लोग याद रखेंगे। आप लोगों के जो प्रैक्टिकल परीक्षा को लेकर प्रोग्राम है वो आपके महाविद्यालय जारी करेंगे। यूनिवर्सिटी ने डेट बता दिया है कि इतने तारीख से इतने तारीख तक ऑनर्स का लेना है और इतने तारीख से इतने तारीख तक प्रैक्टिकल जो सब्सिडरी पेपर है उनका लेना है। ठीक है, अब विश्वविद्यालय तो बता दिया लेकिन आप लोगों के प्रैक्टिकल एग्ज़ाम आपके महाविद्यालय लेंगे तो महाविद्यालय तय करेंगे कि आपके ऑनर्स जो भी है उसका प्रैक्टिकल परीक्षा किस तिथि को लिया जाए, लेकिन इतने ही दिन में आप लोगों को लिया जाएगा। तो अब आप लोगों को जो एग्ज़ाम आप प्रैक्टिकल एग्ज़ाम देने के लिए जाना है तो अपने सेंटर पर, अपने स्कूल में जाना है, कॉलेज में जाना है, नहीं कॉलेज में जाना है तो वहाँ पे आप प्रधानाचार्य महोदय या अपने कॉलेज का जो प्रोग्राम है उसे आप लोग अवश्य देख लीजिएगा और पता कर लीजिएगा कि आपके प्रैक्टिकल एग्ज़ाम किस तिथि को है। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को जानकारी समझ में आ चुका है। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर है स्क्रीनशॉट, आप मार लीजिए या इसको आप ऐसे कॉपी या डाउनलोड इमेज कर लीजिए। ठीक है, इस पर टाइप करके इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को जानकारी समझ आ चुका है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।